के लोन देख रहे हैं दर्शकों, गंगापुर सिटी के जिला कलेक्टर के बाहर पर यहाँ पर अंकित मीणा के पिता के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। और डॉक्टर साहब भी पहुँच गए हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी, और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। और यहाँ पर रोड पर धरने पर बैठे हैं सर्व समाज के लोग और पीड़ित परिवार के लोग। गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर के बाहर पर देख रहे हैं, लक्ष्य पहुंच गए हैं। प्रशासन के अधिकारी से वार्ता कर रहे हैं और इसी घटना के विरोध में पूरा गंगापुर सिटी का बाजार पूरी तरह से बंद रहा आज। जी न्यूज़ बुलेटिन के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों देख रहे हैं, डॉक्टर साहब अभी प्रशासन के अधिकारियों से अंकित मीणा के हत्या हुई उसके बारे में जानकारी पूरी प्राप्त कर रहे हैं और प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। आर्थिक सहायता के लिए जो भी है वो दी जाएगी। और यहाँ बाहर लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सर्व समाज के लोग। हाजी दो, हाजी दो, हम किसके परिवार को? जय दो, जय
ठीक है दर्शकों, गंगापुर सिटी के जिला कलेक्टर के बाहर रोड पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और डॉक्टर साहब करोड़ीलाल जी प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। अंकित के हत्यारे पे फांसी दो, फांसी दो। अंकित के हत्यारे पे फांसी दो, फांसी दो। अंकित भी अपना न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकित भी अपना न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकित के हत्यारे पे न्याय दो, न्याय दो। अंकित के हत्यारे पे फांसी दो, फांसी दो। अंकित के सम्मान में सम्मान में दान में अंकित के सम्मान में अंकित के सम्मान में अंकित मीणा के परिवार को 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 सर समाज की मजबूरी है, सर समाज की मजबूरी है, सर समाज की मजबूरी है। अंकित मीणा के सम्मान में अंकित के सम्मान में अंकित के परिवार को परिवार को न्याय दो, न्याय दो। अंकित के परिवार को न्याय दो, न्याय दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी 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 दो। अंकित के सम्मान में अंकित के सम्मान किसके सम्मान में जय करा वीर बजरंगे, जय करा वीर बजरंगे, भारत माता के, भारत माता के। हम किसके हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम किसके हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम किसके हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हम किसके परिवार को न्याय दो, न्याय दो। हम किसके परिवार को न्याय दो, न्याय दो। हम किसके परिवार को न्याय दो, न्याय दो। हम किसके सम्मान में सम्मान में दान में हम किसके सम्मान में सम्मान में दान में। देख रहे हैं दर्शकों, अंकित मीणा के निशंक हत्या के विरोध में यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन करने वालों को से वार्ता करने के बाद जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं यहाँ पर। Thank you.
के सम्मान में, अंकित के सम्मान में, अंकित के सम्मान में, देख रहे हैं दोस्तों, गंगा पुष्टि के जिला कलेक्टर के ऑफिस के बाहर रोड पर आप देख रहे हैं धरना प्रदर्शन यहाँ पर सब समाज की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और परिवारजन का लोगों का बुरा हाल है। आप देख रहे हैं मासूम बच्चे छोटे छोटे अंकित के सम्मान में, अंकित के सम्मान में, अंकित के सम्मान अंकित के सम्मान में, अंकित के सम्मान में, अंकित के सम्मान में, अंकित के हत्यारों को, अंकित के हत्यारों को, अंकित के हत्यारों को, सर तुम्हें की मजबूरी है, सर तुम्हें की मजबूरी है, अंकित के हत्यारों को, अंकित के सम्मान में, 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 सर समझ की मजबूरी है। मेरे भाइयों यहाँ सुन रहे हैं और लाइव के माध्यम से जो घर बैठे इंदर में आप सब सुन रहे ना, ये आज ये अपने भाई के साथ हुआ है, कल को आप अपने परिवार अपने आस पड़ोस किसी न किसी एक इंसान के साथ ये होना है। आपको यहाँ आना पड़ेगा, फेसबुक पे लाइव देखने से ये नहीं चलेंगी, यहाँ लड़ना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, अपने लिए युद्ध लड़ना पड़ेगा, वरना कोई ना प्रशासन हो कोई भी हो, आज प्रशासन ने क्या कर लिया, विक्रम गिरफ्तार कर लिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एसपी साहब का, उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा काम किया, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उनकी जगह। लेकिन आज जो यहाँ हुआ है उसके लिए मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से गंगा प्रसिद्ध में ठप है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई किसी तरह का कानून नहीं है, हर कोई घर के फायरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आज तो ये जघन्य अपराध है, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। किसी मेरे भाई को कलर रेट के जैसे एक जानवर को भी कोई इंसान पूछता है उसके लिए, एक मेरे भाई को इंसान को इस तरीके का, मैं उसको जघन अपराध मानता हूँ और मैं पुलिस प्रशासन से उन पर पूरा विश्वास रखता हूँ, आने वाले वक्त में ऐसा कोई अपराध गंगा प्रसिद्धि के अंदर ना हो, ऐसी साथ गुहार करता हूँ और बिल्कुल सही दिन से शुक्रगुजार हूँ उनका। दो घंटे के अंदर उन्होंने सारी कार्रवाई करी, प्रशासन को अपने जाते के हिसाब से सारा सिस्टम सेट करा, उन्होंने गिरफ्तार किए। लेकिन मैं चाहता हूँ जो मुआवजे की मांग मेरे परिवार की है, आज ये परिवार एक समाज का परिवार नहीं है, ये हमारा परिवार है, सर समाज का परिवार है, इसके लिए हम लड़ेंगे, अभी लड़ेंगे, घंटे लड़ेंगे, 5 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, 48 कितने भी घंटे होंगे ना, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं। और मैं सही दिल से शुक्रगुजार हूँ अनिल बड़ीकर जी का, सरपंच जी का, जो इस युद्ध में हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने अपने पैर पीछे नहीं करे,
इन्होंने प्रेयर मीटिंग करे, अपने पूरे आलाधिकारी ऊपर से जितने भी इनके नेता हैं सबको इनको फोन किया, सबसे सारी व्यवस्था सारी बातें करी। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आज इस मंच के माध्यम से ये अभी तक खड़े हुए हैं, वरना कोई किसी के लिए नहीं आता। सब घर में बैठे होते हैं, कूलर पंखे में लाइट देख रहे हैं, कोई किसी का नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आज हम अंकित जी अंकित भैया के लिए लड़ रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। याद रखना, आज नहीं लड़े तो कल तुम्हारा नहीं होगा, कल तुम्हारा नहीं होगा, कल कोई और अंकित भाई किसी रोड इस पर ही अपन को इसके लिए लड़ना पड़ेगा, और मैं हूँ ना कोई हो। मैं इसी बात में अपना विराम देता हूँ, अपनी बातों को हलाने वाले अजय राज भाई अपनी बात रहा। देख रहे दर्शकों, यहाँ अंकित के हत्यारे को, अंकित के हत्यारे को, अंकित के हत्यारे को, सर समाज का एक ही नारा, सर समाज का एक ही नारा। दर्शकों, गंगापुर सिटी के जिला कलेक्टर के बाहर रोड मेन रोड से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कल अपने छोटे भाई के साथ जो घटना हुई है वो घटना इतनी अमानवीय थी कि पहले उसको दोस्त भी बना के ले गए, फिर उसको विश्वास नहीं दिया, और फिर उसके मतलब चक्कू दिए पीट में, और उससे भी उनका दिल नहीं भरा, मन नहीं भरा। तो जो आपने देखी होगी बर्फ की फैक्ट्री में, बर्फ को अलग करने के लिए इतने इतने बड़े सूढ़े होते हैं, उनसे अपने भाई का बिल्कुल छाती और पेट बिल्कुल छलनी कर दिया, उसके बाद उसको पत्थरों से कुचला। तो इस तरह की घटना, इसके पीछे क्या सोच है उन लोगों की, इसके पीछे वो क्या हासिल करना चाहते हैं, कितने लोग हैं और इसमें प्लानिंग क्या है, ये बहुत बड़ी सोच का विषय है। आज जिस तरह से ये घटना हुई है, इसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए हमारे भाई का एहतियाकरण करवा दिया, दाह संस्कार करवा दिया, हम जैसे लोगों को पता पड़ता। उससे पहले इन लोगों को ऐसा लगा प्रशासन को कि कोई छोटा मोटा कोई कीड़ा मकोड़े के साथ घटना हुई है, इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, और जो जो नाबालिग बच्चे हैं उनको बंद कर रखा है, नाबालिग बच्चे का हत्या कर दे, चार तीस आदमी मार दे, उनकी बेल हो जाती है एक महीने में। तो ये क्या कारण है कि पुलिस अपना प्रचार कर रही है, ये बहुत गंभीर एपिसोड है। इसमें अंकित का कोई मैटर नहीं है, इसमें आज आपने देखा होगा कि पूरे गंगापुर में सन्नाटा एक खतरा हुआ है। सिर्फ मेडिकल की सोच के अलावा, दुकान के अलावा कोई भी दुकान खुली हुई नहीं है, कोई शोरूम नहीं खोला, कोई और भी कारोबार नहीं खोला। कितने करोड़ों का चोरी बिजनेस होता है व्यापारियों का, तो सभी समाज के जो व्यापारी बन गए बेचारे, तो सोच रहे कि आज 25 साल के युवा के साथ ऐसी घटना हुई है, तो हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारी बहन बेटियों के साथ क्या होगा, हमारे पैसों का लेन देन है आगे जाके तक हमारे बीच क्या होगा। तो ऐसा भय और ऐसा टेरर का माहौल ये लोग क्यों बिठाना चाहते हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं। मैं हमारे जो वर्तमान विधायक हैं श्री रामदेव जी मीणा साहब, उनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आज से 6-7 साल पहले प्रदेश मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष एक अलवर का फौजी भाई था, आपने कोर्ट के माध्यम से आपने पैसों के बल पर उससे प्रदेश अध्यक्ष का पद छीना, आप
आसन साल से राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान प्रदेश आदिवासी सेवा समिति के अध्यक्ष और पूरे ट्राइबल के अध्यक्ष प्रदेश के, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप प्रदेश अध्यक्ष किसने बने हो? आप प्रदेश अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेदारी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ट्राइबल समाज आदिवासी कम्युनिटी घर बेटे के साथ कोई अन्याय होगा तो मैं आवाज उठाऊंगा, उनके सुख दुख में मैं साथ रहूंगा और यदि पुलिस प्रशासन की कोई बात आएगी तो मेरे सुख दुख में साथ रहूंगा। आज प्रदेश मीणा सेवा समिति के अध्यक्ष हमें नजर नहीं आ रहा, हम यहाँ पर 44 डिग्री टेम्परेचर पता नहीं कितना है, इस गर्मी में हमारी माता बहने जिसका पति मर गया, विधवा होगी, किसी का बच्चा गया, किसी का पति गया, आप देखो ये कोई और समाज के नहीं है, जिस समाज के अध्यक्ष बने रहते हैं उस समाज के ये नागरिक हैं। अभी विधानसभा इलेक्शन में समाज समाज याद आया था, समाज को खतरा है, समाज को दूसरे समाज से खतरा है, हमको यहाँ मारेंगे पीटेंगे दूसरे समाज के लोग, मुझे वोट दो भाइयों, मैं रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और मैं तुमको न्याय दूंगा। आज हमको खतरा है अपराधियों के साथ, ना कोई समाज है ना कोई धर्म है, कुछ अपराधी है जिन्होंने ये घटनाक्रम किया है तो रामकेश को ये डरे कि मैं रामकेश खान हूं और मैं खानों के खिलाफ, मैं रामकेश खान हूं और इसमें खानों ने मर्डर किया है, खानों के खिलाफ मैंने मेरी जीत खोली तो मेरे दूर कर देंगे। क्या मैं रामकेश से ये पूछ सकता हूं कि एक हमारी बहन विधवा होगी, बच्चे अनाथ हो गए, इससे भी बड़ी कीमत वोट की है? तो वोट दे सकते हैं तो हमने भी वोट दिए, लेकिन उसको ये लग रहा है कि मीणा समाज खा जाएगा, मुझे तो चिंता खान समाज की मैं बात करूं, कोई भी समाज किसी अपराधी का साथ नहीं दे सकता, अपराधी किसी समाज का किसी धर्म को हो सकता है, उसके कोई वोट नहीं कट रहे, लेकिन वो न मीणा समाज का न किसी दूसरे समाज का, वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर समाज का है, उसको यहां से मैंने समझाया लेकिन समझ में नहीं बैठी, उसको यहां से 100 करोड़ रुपए कमाने हैं और 25 करोड़ की पंजीरी बांटनी है, उसकी तरफ से ये मानवती समाज, एसटीसी समाज, ब्राह्मण समाज, व्यापारी समाज, सारे समाज मर जाए, हर समाज में 2000 आदमी होते बाहर रखे। मैं अभी 4-5 दिन पहले कहीं बैठा हुआ था तो विधायक जी का फोन आता है, अरे भाई उससे तुम स्टाम्प पर लिखापटी करा लो, आज भी उसके पास उसके ध्यान में ये बैठ गया है कि मेरा कोई काम है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को सोल्व करने का काम है, मेरा काम ऐसी जो मेरी बहन विधवा होगी उनकी समस्या सुनने का मेरा कोई काम नहीं है। यदि वो ये सोचता है कि मैंने पैसों के दम पर रोक लिए, मैंने दलाल पाड़ रखे, मैंने एजेंट पाड़ रखे, ये बहुत गलत है, बहुत अनर्थ हो रहा है, बहुत पाप हो रहा है और जब ज्यादा पाप होता है तो धरती पड़ जाती है, उसमें रामकृष्ण क्या है, कितने बड़े रामकृष्ण उसमें समा जाते हैं। आज हमारी बहन यहाँ पर कलेक्टर के सामने गर्मी में पड़ी हुई है और खान साहब एसी का बटन दबा के चौथी मंजिल में आराम फरमा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये छोटा समाज, छोटा जातिवाद, ये सब इन नेताओं को दिखावा है। आज इस हमारी बहन के कोई काम आया है तो वो सर्व समाज काम आया है। आज आप सर्व समाज को देख लो, पूरे गंगापुर सिटी में सन्नाटा पस रहा है कि घटना इस बहन के साथ नहीं हुई, हर घर में दुखे माता में, हर घर में चूड़ा नहीं पड़ रहा, आज गंगापुर में कोई भी दुकान खुली हुई नहीं है,
मेडिकल स्टोर के अलावा वो भी चाहते हैं कि मेडिकल स्टोर वो भी हमने खुलवाई है। पूरे समाज सर्व समाज साथ है, लेकिन एक मीना समाज का प्रदेश अध्यक्ष, सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष, अरे भाई ये पद लेते हो वोट लेने के लिए, तुम एमएलए बनते हो व्यापार करने के लिए, ये उनकी सोच होगी कि मैं पनीरी बांट दूंगा फिर जीत जाऊंगा। मेरे भाइयों, इन नागों को पहचानो, अभी भी वक्त है जो अपने काम का नहीं, अपने मातृभूमि का नहीं, अपने समाज का नहीं, अपने शहर का नहीं, और जिन लोगों ने वोट दिया है उनका नहीं, वोट दिए नहीं दिए, लेकिन वो गंगापुर का राजा है और राजा का ये धर्म नहीं है कि प्रजा रोड पे पड़ी रहे और राजा एसी का बटन दबा के अपने जासूस दे दे कि जाओ कौन कौन क्या बोल रहा है, कौन कौन बगावत कर रहा है, अनंत वडीला है, अजय राज है, इनके खिलाफ अब किस थाने में मुकदमा दर्ज हो सकता है, वो सेटिंग में लगा होगा और हमें जेल जाने से कोई डर नहीं। मैं काफी बार जेल गया हूँ, एक बार उदय में मर्डर हुआ था, 18 साल का बच्चा था और उस माँ के एक बेटा था, उसने गोली मारी सीने में, दिवाली का टाइम था, छोटी दिवाली एक दिन पहले, सब लोगों को फैसला आया, फोन आया, उस टाइम ये मुख्यमंत्री सलाहकार थे, सरकार की कांग्रेस की फैस आता है, दूत आते है कि सरपंचो, 44 सरपंच है गंगापुर पंचायत समिति में, सरपंचो तुमने यदि मेरे खिलाफ बगावत करी तो मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। हमारे पंखीलाल जी और मैं दोनों उस धरने में रेल रोकी, सुबह से शाम तक डॉक्टर साहब आए, न्याय मिले, सुरक्षा मिली, हथियार मिले और अपराधी आज भी सलाखों के पीछे है। अब हमको यदि किसी भाई को न्याय दिलाने में और सच्चाई को बोलने में, हम जैसे आदमी, छोटे आदमी, हम सरपंच है, हमें में कोई भी एमपी एमएलए पार्टी मुकदमे में बंद करा सकता है, जिसकी सरकार होती है उसमें आला भी बढ़ता है और सूखा भी बढ़ता है, हमें फक्र नहीं, लेकिन मैं विनोदा से हूँ, मुझे वोट दिया है तो इसलिए वोट दिया है कि गरीब पीड़ित बहन बेटियों की सहायता करना, और मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ, जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, दिन रात मैं यहाँ पर, यहाँ से यदि न्याय नहीं मिला तो मेरे अनंत वडीला की लाश जाएगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है, हम जेल से चलने वाले हैं। बुलडोजर की मांग कर, प्यारे भाइयों, हमारी कोई अनैतिक मांग नहीं है, हमारी एक मांग है कि जो पीड़ित है उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, जो पीड़ित है उसको 50 लाख रुपए मिल जाए, ये हमारी एक मानवता की खातिर, जिसका पति गया उसका कौन होता है, उम्र 25 साल है, तो छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए हम सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो कौन सी बुरी बात है। और जो लोग एसी में सो रहे हैं उनके अंदर तो गंगापुर सिटी के राजा है, बड़ी हमदर्दी होती तो यहाँ पर आते, अभी डॉक्टर साहब आ रहे हैं। मोटरसाइकिल में दो में आपस में टक्कर हो गई थी, एक्सीडेंट होने के बाद लटपटंगेबाजी के कारण एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई थी, तत्कालीन गहलोत सरकार ने उनको 50 लाख रुपए संविदा पर नौकरी और एक डेयरी का बूट दिया था जयपुर में महत्वपूर्ण जगह पर। तो हमारे इन आंदोलनकारी सभी लोगों की मांग ये है कि सेम का सेम पैकेज, बल्कि इसका गड़ा गला रेता गया है, नहीं लाल की तर्ज पर, ये बहुत ब्रूटल मर्डर है। तो सभी जो प्रतिनिधिमंडल हैं इन्होंने जिला कलेक्टर एसपी के सामने बात रखी है मेरी उपस्थिति में,
अब आप जानते हो कि ये कलेक्टर एसपी के हाथ का मामला नहीं है, उसको राज्य सरकार करेगी। तो मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश की, वो महाराष्ट्र हैं, कोई सभा में है, मेरी बात नहीं हो पाई। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके, ये पहले गहलोत साहब ने किया था, मुख्यमंत्री स्तर पर बात होगी तभी इनकी जो मांग है इनका पैकेज पूरा होगा, और मैं इसमें इनको पूरा सहयोग दूंगा। इसलिए कि परिवार बहुत गरीब है और बड़ी कम उम्र में विधवा हो गई, उनके दो बच्चे हैं, भरण पोषण के लिए भी कुछ नहीं है। तो मैं सरकार को कहूँगा कि इनकी पूरी आर्थिक सहायता की जाए, ठीक है। सभी को राम राम। देखो, जो अपराध करता है उसका कोई धर्म नहीं होता। और सबसे पहले मैं आप सभी को एक ही बात कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दो, ताकि वो आने वाले समय में अंकित मीना को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अंकित मीना को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अंकित मीना को न्याय दो, हमारी मांगे पूरी करो। अधिकारियों से वार्ता करने के बाद में देखना लगता है बात करना है। नहीं खड़े नहीं होंगे भाई साहब, गप साहब उपस्थित तक जमा बड़ा ही निर्मम हत्या अंकित जी की गई, जिसमें गला भी रेता गया और पत्थर मार मार के उनके उसके सिर को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन धरनार्थियों की एक मांग है जिसमें हमें 11-12 लोग अभी जाके जिला प्रशासन से बात की है, और ज्ञापन में चारों को फांसी की सजा की आपकी मांग है। सजा कोर्ट करता है, लेकिन हमने एसपी साहब को कहा है कि इविडेंस तथ्य कमांड सारे दल से जुटाओ, जिससे ये निर्मम हत्यारे फांसी के फंदे तक पहुंच सके। कई बार क्या होता है कि पुलिस जांच में लापरवाही कर देती है और उसके कारण अपराधी बच जाते हैं, अदालत सजा उतनी ही दे पाती जितनी होनी चाहिए। तो आपकी जो पहली मांग है कि उनको फांसी दी जाए,
उस तक पुलिस सारे तथ्य प्रमाण जुटाकर कोर्ट में चालान करेगी जल्दी से। दूसरा ये बात रखिए कि मामला फास्ट ट्रैक में जाना चाहिए, अदालत जल्दी सुनवाई करे और इनको सजा बोल। तीसरा, एक स्पेशल केस होता है जिसको स्पेशल कैटेगरी में इस केस को डाला जाए जिससे त्वरित इसमें कार्रवाई हो जाए। चौथा है आर्थिक पैकेज या बाकी के पैकेज जो देते हैं जिसमें दूध की देरी है, संविदा की नौकरी है, जो उदयपुर में दिया और जो वहाँ अपने जयपुर में दिया है। जयपुर में मुख्यमंत्री जी ने पिछली सरकार ने आपस में आमने सामने जा रहे थे, हिंदू और मुसलमान जवानों में टक्कर हुई, वहाँ लठखंडबाजी हो गई तो एक मुस्लिम युवक की मौत हो गई। उस पर सरकार ने उस समय 50 लाख दिया था, एक देवी का पूत दिया था और एक संविदा पे नौकरी दी थी। अभी जो विधवा है इसका कोई सहारा नहीं बना, इसके पास कोई भरण पोषण के लिए साधन भी नहीं है, एक बच्ची एक बच्चा है और अभी सरकार की उस पर ही इसको कुछ संबल मिल सकता है। इसलिए कलेक्टर एसपी से हमने बात की है कि जो पैकेज धर्मार्थी आंदोलनकारी आपके सामने मांगे हैं उसकी रिकमेंडेशन आप सरकार को भेजें। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश की लेकिन मुख्यमंत्री जी किसी सभा में है महाराष्ट्र में तो बात नहीं हो पाई। मैं देर रात या कल जल्दी सुबह ये बात रख के उनके सामने कह दूंगा कि जिला जज भी बात करेंगे, हमारे बाकी के लोग भी बात करेंगे और एक तरह से हमारी भी सहमति है कि जो पैकेज आप मांग रहे हैं उसको सरकार मांग रही है। तो मैं मेरे स्तर पर जो आपने मांग रखी है, जो आपकी मंशा है, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो वो पूरा हो इसके लिए मैं भरसक कोशिश करूँगा, इस बात का आपको भरोसा देना चाहता हूँ। मेरे यहाँ से फोन भी गए थे और मेरी जानकारी में भी प्रश्न आ गया था तो मैं हवाई माधोपुर से आपके बीच में आया। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो और आप क्या फैसला करोगे तो आप जानो, पर मैं दोनों तरफ से सरकार से पूरी तरह से जन का बात रखूँगा मजबूती से कि आपके मांग पत्र पर सरकार गंभीरता से कार्रवाई। अब आप मेरी मर्यादाएं समझते हैं, मेरी स्थिति जानते हैं, अगर मैं आज मंत्री नहीं होता तो मैं भी आपके साथ बैठ जाता लेकिन मैं बैठ नहीं सकता। वैसे तो मैं सत्ता में हूँ तो सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है तो मेरे को आना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये चीज़ें सत्ता में सत्ताएँ आती रहती हैं जाती रहती हैं, सत्ता वाला बात मेरे दिमाग में कोई नहीं है। आप किसी प्रकार से ये नहीं है भाई ये सरकार में तो हमारा पक्ष कहीं कमज़ोर नहीं हो जाए, आपके पक्ष को मैं मजबूती से सरकार के सामने जल्दी से जल्दी रखूँगा और आवश्यकता पड़ी जब आप बुलाओगे तो फिर मैं आपके बीच में आता। मैं तो यही कहूँगा कि आपको यहाँ परेशान नहीं होना चाहिए, आपकी बात सरकार से मनाने की कोशिश करूँ लेकिन अंदर जो प्रतिनिधिमंडल गया उन्होंने मना कर दिया। मेरे से भीतर ही कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जो 15-20 लोग गए थे मैंने उनको अंदर कहा था, कलेक्टर साहब एस पी साहब ने भी समझाया, मैंने भी समझाया लेकिन इनका ऐसा कहना है कि हमको भरोसा नहीं है।
तो मुख्यमंत्री जी से बात करके मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। मैं भी इस स्थिति में नहीं हूँ, मैं तो उनके कैबिनेट में हूँ। अल्टीमेटली मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद ही इस मांग पत्र पर विचार किया जा सकता है। तो मैं भी आपके बीच में कोई आश्वासन नहीं दे सकता। हाँ, मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि ये गंभीरतम घटना है, ये निर्ममता की पराकाष्ठा है, ये उदयपुर और जयपुर की घटना से किसी भी तरह से कम नहीं है, कम नापा भी नहीं जाना चाहिए, हमारी सरकार कम नापेगी भी नहीं। और इस पर जो कार्रवाई अपराधियों को पकड़ने में की है, कोई अगर षड्यंत्र में भी है तो मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ उनको भी चिन्हित करें और उनको भी पकड़ें। बाकी की जो कुछ ऐसी बातें हुई हैं प्रशासन और मेरे बीच में, मैं आपको सारी को बता नहीं सकता। मैं पूरी तरह से, ये जो परिवार है जिस पर इतना दर्द का, जिसको कष्ट का पहाड़ गिर गया, मैं इनके कष्ट में शामिल हूँ और हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। हथियारों के जो हथियार हैं उनके घर पे बुलडोजर चले, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ऐसी घटना करने से पहले इंसान 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। आप क्या चाहोगे ना, और ऐसा हो नहीं सकता न्याय ना मिले। आप देखो, आप हम सब जब जाहिर है डॉक्टर साहब जहाँ आते हैं वहाँ निर्णय होते ही है, लेकिन मेरा है डॉक्टर साहब से भी निवेदन है कि जरूर हम सत्ता में है, राज हमारा है, लेकिन इस राज में अगर सर्वतंत्र से जुदा होने लगा तो इस राज का कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये तन सर्वतंत्र से जुदा होने की परंपरा राजस्थान में अंतिम कहानी बननी चाहिए। हमारी आपसे प्रार्थना है, आप जहाँ कहोगे जैसे लोगों को संघर्ष करने में तैयार है। देखो भाई, मेरे बात सुनो, क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि 2 घंटे में पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया? क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि जो पेपर बैजलपुर में है तो उसका कोई इलाज नहीं आप किसी का? क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि पिछले राज में जो पेपर लीक हुए उसमें 38 थानेदार जेल की हवा खा रहे? क्या आप इस बात से संतुष्ट नहीं है कि सरकार ने आते ही एंटी गैंगस्टर एक्ट लागू किया जिससे अपराधियों के जो आप कह रहे हो नहीं, मकान गिराना, उनको नुकसान आर्थिक दृष्टि से पहुंचाना, कड़ी से कड़ी सजा देना, पहले तो कभी एंटी गैंगस्टर एक्ट लाई नहीं है कोई सरकार। तो अपराधियों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करने की दृष्टि से भजनलाल सरकार ये एंटी गैंगस्टर एक गैंग बनाई है और SIT भी बनाई है ऐसे मामले में जिसमें गंभीर अपराधी पहुंच से बाहर है। इसलिए ये बच्चा अभी कह रहा था, उसका मैं जानता नहीं, कि आप चाहोगे तो काम हो जाए। मैं क्यों नहीं चाहूँगा भाई, मैं क्यों नहीं चाहूँगा? मेरे इस इलाके से ऐसे रिश्ते हैं जिनका विवरण नहीं दिया जा सकता। मेरे परिवार के समान जो बच्चा मरा है वो मेरे परिवार का बेटा है, मेरा बेटा। इसलिए आप कभी शक शुबा मत करो, आपकी लड़ाई आप किस तरह से लोग तो आप जाने, लेकिन मैं इनको न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करने में किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ, देखो कोई मंत्री किसी घर में कर नहीं जाता। RS की परीक्षा का पेपर पोस्टपोन करने का धरना राजस्थान यूनिवर्सिटी में चला, 7 दिन तक चलता रहा, कोई नहीं गया, मैं आगे से गया, धरनार्थियों से बात की, और चाहे कुछ भी करना पड़ गया, ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी हो, TG हो, मुख्यमंत्री हो, सबसे बात करके मैंने उनकी मांग मनवाई और परीक्षा पोस्टपोन करवाई। तो उसी इरादे के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से, चीफ सेक्रेटरी DG से बात करूँगा। मैं यहाँ कुछ कह जाऊँ वहाँ कुछ नहीं करूँ, मेरे स्वभाव में नहीं,
है भाई। हाँ इसलिए विश्वास रखें, आप ये बहन भी करें कि आप चाहोगे तो ये हो जाएगा, मैं चाहूंगा तो कुछ न कुछ करके रहूंगा, इस बात का विश्वास। देखें डॉक्टर साहब त्रिवेणी लाल जी ने परिवार को सांत्वना दी है, एक बार शांति से बैठ जाए, एक बार और सुन ले, शांति से सुन ले एक बात को। ये सरकार है डॉक्टर किरोड़ी लाल जी नहीं है, इस टाइम सरकार अपने काम को करती है, लेकिन जिस परिवार के साथ अन्याय हुआ है उसके साथ आप लोग हैं या नहीं है? जब तक ये परिवार अपनी मांगों को नहीं मानेगा, कोई सरकार नहीं मानेगी, जब तक ये सरकार हम परिवार के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो जब तक ये परिवार अगर धरना देना चाहेगा तो हम इनके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो मेरा निवेदन है कि सरकार अपना काम करती है और जनता को अपना काम करना है। मेरे भाइयों, ये दुखी परिवार है, इसको न्याय दिलाना है और आगे की जो गर्दन कटने वाली है उनको रोकना है। अगर आपको रोकना है तो इनका साथ देना पड़ेगा, ये गरीब परिवार है। मैं जो कह रहा हूँ सुन लो कान खोल करके, आज से शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, शांतिपूर्ण धरना चला है, किसी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, कोई उपद्रव नहीं किया, मार्केट में शांतिपूर्वक मार्केट बंद किया, तो कोई बंद करवाने नहीं गया, कोई माइकलाल मार्केट को बंद करवाने नहीं गया। ऐसी स्थिति में मैं सभी धर्मों के व्यक्तियों से, सभी समाजों के व्यक्तियों से निवेदन करूंगा कि ये परिवार अगर खड़ा होकर चला जाए तो आप चले जाना, बाकी इनका साथ देते रहना। धन्यवाद, जय श्री राम। पहली बात तो मैं सभी व्यापारी भाइयों को तय दिन से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी जो भावना के अनुसार मुझे 19 से ज्यादा आपने हमारा सहयोग किया, अभी भी सरस समाज के भाइयों ने, पूरे हिंदू समाज के भाइयों ने, विश्व हिंदू परिषद के भाइयों ने जो हमारा साथ दिया उसके लिए पूरी बस्ती का, इन परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाई अभी निर्णय ले लेंगे, महेंद्र भाई साहब भी और इनके परिजन, जो भी निर्णय होगा आपको दिखा देंगे। हम कल रात को 3 बजे भी पुलिस हटाने आई थी, 3-3 पुलिस की गाड़ी में सोए नहीं, पूरी रात के बैठी थी, पूरी रात नींद नहीं आई मेरे को भी। मेरे भाइयों, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, 34 साल में हुआ 33 बार जेल जाया, 34 बार भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। जो भी आप सर समाज के भाई, गंगापुर के व्यापारी भाई, इनका परिवार वाले जो भी फैसला देंगे हम उसमें सहमत है भाइयों। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब, मैं मंच पर आह्वान करूँगा बज्रदंग के और हिंदू परिषद के, जो एक बार मंच पर आके आह्वान करें और जो भी रणनीति आगे की है वो आगे बढ़ाए। देख रहे हैं पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब ने धरना पर प्रदर्शन के कार्यों से बात की, पीड़ित परिवार से भी बात की और जिला कलेक्टर के अधिकारियों से भी बात की है। वैसे तो बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जी न्यूज़ पोर्टल आपके साथ पूरी तरह सभी खबरों को दिखाने का प्रयास करता है और दिखाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।